नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलें। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और मैं जैसा कि हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ हर एक कंटेंट, तो फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए एक वीवो का फिर से एक मॉडल लेकर के आया हूँ। वीवो का है Y11, Y11 मॉडल है, जो कि हम आप उसको पिन दिखाएंगे और उसकी पिन अनलॉकिंग दिखाएंगे। तो जिन भाइयों को, जिन फ्रेंड्स को पता है तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट जिनको नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तब जाके उन्हें प्रॉपर समझ में आएगा। तो चलिए हम वो आपको मॉडल दिखा दें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक मॉडल है, वीवो का Y11 मॉडल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीवो का एक हैंडसेट है हमारे पास, वीवो का, और ये इसमें पैटर्न लगा हुआ है, पिन लगा हुआ है। तो पिन को इजीली तरीके से हम रिमूव करेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये पिन है जो कि किसी यूज़र ने भूल गए हैं और इन पिन को हम रिमूव करेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं फ़ोन, ये वीवो का Y11 मॉडल है और इसकी अनलॉकिंग करके हम दिखाएंगे बहुत ही ईजी मेथड से। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि हमारा अनलॉकिंग हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारे चैनल में कोई फेक वीडियो नहीं बनता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे इसको आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको एक मॉडल दिखाया था, वीवो का Y11 मॉडल है। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे चैनल में कोई भी फेक वीडियो नहीं बनता है। तो चलिए बातें होती रहेंगी, तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्यूसी फायर से खोलने वाले हैं फ्रेंड। तो क्यूसी फायर को हम ओपन कर लेंगे, और क्यूसी फायर को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्यूसी फायर को हम ओपन कर लेंगे। अब उसके साथ हमें हमेशा डिवाइस मैनेजर को भी साथ में खोल के रखना है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो फ़ोन है, वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें, दो चीज़ें आपको हमेशा खोल के रखनी होती है, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा जो फ़ोन है वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे सारी चीज़ें खोल ली है। छोटा सा अपडेट देना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे जो वीडियोज़ हैं आपको तुरंत मिलेंगे। जैसे हम कोई वीडियो आपके पास डालेंगे तो हमारे वीडियो आपके नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं, ये हमारे सारे वीडियोस हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे लगेंगे, आई होप बहुत अच्छे लगेंगे। हमारी जो ट्रिक है वो भी आपको अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हमने हमारा क्यूसी फायर ओपन हो चुका है, हम इसे ओपन कर लेंगे। अब उसके बाद हमें रिडन टूल में जाना है। रिडन टूल में जाने के बाद अपना ब्रांड ले लेना है। तो हमारा ब्रांड जो है वीवो है, और उसके बाद हम अपना मॉडल ले लेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें देखेंगे Y11 है तो हम Y11 ले लेंगे, नहीं होता तो इसमें हम V11 Pro भी ले सकते थे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा Y11 है, इसमें तो हम Y11 ले लेंगे, नहीं होता तो इसमें V11 Pro ले लेते फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बट इसमें Y11 है तो हम Y11 को ले लेते हैं। और इसके बाद हमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है Vivo FS FRP। तो ये एक्चुअल में फॉर्मेट होता है, वीवो फॉर्मेट होता है, वीवो के लिए स्पेशल फॉर्मेट है। अब यहाँ पे जैसे हमने दबा दिया है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे एडियल मोड पे कनेक्ट करना है। एडियल मोड पे कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो स्क्रीन में दिख रहा होगा फ्रेंड्स, एडियल टेस्ट पॉइंट, या तो एडियल टेस्ट पॉइंट हमने आपको लास्ट में भी फिर से एक बार दिखा देंगे, जब हम फ़ोन को ऑन करते हैं उस कंडीशन में भी आपको हम इसका टेस्ट पॉइंट दिखा देंगे। तो हम फ़ोन को कनेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। कनेक्ट करते समय आपको सारी चीज़ें पता ही है, कैसे हमें कनेक्ट करना है, आपको ट्वीज़र से उसको कनेक्ट करना है। और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फ्रेंड्स अपने फ़ोन को, सिंपली हमने फ़ोन को देखिए कनेक्ट कर दिया है। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे साइड में देखेंगे जो हमने आपको डिवाइस मैनेजर खोल के बोला था, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्यूडी लोडर 9000 पोर्ट हमारा बना लिया है। और ये देख सकते हैं, हमारा क्यूडी लोडर 9000 पोर्ट सक्सेस हो चुका है, और ये हमारा लोडर भी ओके हो चुका है, फ़ोन भी हमारा कनेक्ट हो गया, प्रोसेसिंग स्टार्ट है फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है, हमारे जो चैनल की वीडियो स्मार्ट टेलीकॉम, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ये देखिए आगे वीवो 1906, जैसा कि आप देख सकते हैं वीवो 1906 फॉर्मेटिंग यूज़र डाटा हो रहा है, और यहाँ पे FRP लॉक भी हट रहा है। अगर इसकी FRP लॉक रहती है तो हम इसकी FRP लॉक भी आपको करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइप डाटा यूज़र डाटा फ्रॉम रिकवरी टू रिबूट, अभी ये रिकवरी मोड पे जाएगा और 2 से 5 मिनट के अंदर ये कम्प्लीटली फॉर्मेट डन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन में दिखाता हूँ कि हमारा वो फ़ोन फॉर्मेट हुआ कि नहीं फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा ये वही फ़ोन है जो कि वाइप डाटा हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लीन डाटा टू नॉट ऑपरेट द डिवाइस, मतलब आप फ़ोन को नहीं चलाना है। बस मैं इसको पीछे से टच करूँगा और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा बैटरी कनेक्टर तो लगा हुआ है, इसलिए आपको टेस्ट पॉइंट नहीं दिखा पाऊंगा। इसी बैटरी टेस्ट पॉइंट के नीचे दो टेस्ट पॉइंट है, उसी को एडल टेस्ट पॉइंट बोलते हैं। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आई होगी फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं ये हमारा वही मॉडल्स है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो ये देखिए आपके सामने लाइव, जैसे कि यहाँ पे हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइप डाटा यूज़र डाटा हुआ है, तो वहाँ पे लिखा था 2 से 3 मिनट में ये रिकवरी मोड में जा करके फॉर्मेट होगा, डाटा इसका क्लीन होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है फ्रेंड। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और लग भी रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा साइड में वाइप डाटा हो चुका है, हमने वहाँ पर कुछ भी नहीं रखा हुआ है फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको हमेशा से अच्छी लगती है। तो देख सकते हैं हमारा वो डाटा हो चुका है, प्रोसेस चल रहा है फ़ोन हमारा, और सारी चीज़ें हम आपको करके दिखाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये कम्प्लीटली मतलब हो चुका है फॉर्मेट। हम इसे हम देखते हैं कि हमारा ये FRP पे है कि नहीं है। अगर ये FRP पे होगा तो हमारा आप वीडियो जा करके देख सकते हैं, मैं आई बटन पे इसकी FRP की वीडियो दे दूंगा आप। तो आप यहाँ पे जा करके बहुत ही ईजिली तरीके से आप इसकी FRP हटा सकते हो। तो आई बटन पे हम इसकी FRP की भी एक वीडियो दे देंगे जिसमें आप बहुत इजी तरीके से इसकी FRP हटा सकते हैं। तो ये हमारा जो मेन मोटिव था फॉर्मेटिंग का, वो हमारा फॉर्मेट हो चुका है फ्रेंड। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही इजीली तरीके से हमारा ये फॉर्मेट हो चुका है। तो हम इसे स्किप करेंगे और फिर से नेक्स्ट करेंगे, फिर से यहाँ पर हमें स्किप करना है और यहाँ पर यूज़ नाउ। तो आप देखेंगे ये हमारा कोई भी FRP पे सेट नहीं था, नहीं गया है। बहुत ही इजीली तरीके से हमारी अनलॉकिंग हो चुकी है। ये वही फ़ोन है जैसा कि हमने आपको दिखाया हुआ है। तो वीडियो अगर आपकी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियो आपको तुरंत मिलेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।